हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिवानीज किचन। आज मैं आप लोगों को एक 100% नेचुरल एंड इफेक्टिव स्किन वाइटनिंग पोटैटो टोमेटो सोप बनाना बताऊंगी। सो बेसिकली ये सोप आपके स्किन कॉम्प्लेक्शन को नेचुरली लाइटन, ब्राइटन और वाइटन बनाएगी। ये आपकी स्किन पर से किसी भी तरीके के स्कार्स, डार्क स्पॉट्स, डार्क पैचेस, एज स्पॉट्स, पिगमेंटेशन और डिस्कलरेशन की प्रॉब्लम को दूर कर आपके स्किन टोन को इवन बनाएगी। ये आपकी सन टैन को रिमूव करेगी। यह आपकी स्किन पर से सारी डर्ट, इम्प्योरिटीज़ और टॉक्सिन्स रिमूव कर आपकी स्किन को डीप क्लेंस करेगी। यह आपकी स्किन को बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और स्मूथ भी बनाएगी। प्लस इसके रेगुलर यूज से आपकी स्किन एकदम क्रिस्टल क्लियर, स्पॉटलेस और बहुत ही ज़्यादा रेडिएंट दिखाई देने लगेगी। तो आइए इस मैजिकल सोप को बनाना शुरू करते हैं। पोटैटो टोमेटो सोप बनाने के लिए सबसे पहले हम एक ग्राइंडिंग जार लेंगे और इसमें ये एक आलू को इस तरह रफली चॉप करेंगे। उसके बाद हम इसमें ये एक छोटा सा टमाटर लेंगे और इसे भी रफली चॉप कर लेंगे। जार का ढक्कन लगाएंगे और इन्हें अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। तो यहाँ आप देखिए, मैंने दोनों चीज़ों को अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। तो चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पर। तो अब हम एक बोल लेंगे और एक स्ट्रेनर की हेल्प से आलू और टमाटर के जूस को छान लेंगे। तो यहाँ आप देखिए, मैंने टमाटो और पोटैटो के जूस को छान कर बोल में अलग निकाल लिया है। तो अब हम इसमें ये एक चम्मच एलोवेरा जेल डालेंगे। उसके बाद हम इसमें ये एक चम्मच ऑलिव ऑयल डालेंगे और लास्ट में हम इसमें 7-8 ड्रॉप टीटी एसेंशियल ऑयल ऐड कर देंगे। तो ये मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स डाल दिए हैं। तो अब हम इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये मैंने सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है और आप देख सकते हैं हमारा मिक्सचर बनकर एकदम तैयार है। तो ये मैंने 60 ग्राम के करीब ग्लिसरीन सोप बेस ले लिया है। ये आपको ऑनलाइन बहुत ही ईजिली मिल जाएगा और इसे परचेज करने का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो अब हम इसे इस तरह छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे ताकि हमारी सोप बेस इजीली मेल्ट हो जाए। या फिर आप चाहें तो इसे ग्रेट भी कर सकते हैं, उससे भी सोप बहुत इजीली मेल्ट हो जाती है। तो यहाँ आप देखिए, मैंने सोप बेस को इस तरह छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। नेक्स्ट सोप को सेट करने के लिए मैंने एक सिलिकॉन का सोप मोल्ड लिया है। ये भी आपको ऑनलाइन बहुत इजीली मिल जाएगा और इसे परचेज करने का लिंक भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो अब हम एक भगोने में पानी लेंगे, गैस की फ्लेम ऑन करेंगे और पानी में एक उबाल आने देंगे। और जैसे ही पानी में उबाल आ जाएगा, हम इसमें इस तरह एक पैन रखेंगे और इसमें ये कट करा हुआ सोप बेस डालेंगे। गैस की फ्लेम मीडियम हाई कर देंगे और इसे चम्मच से इस तरह लगातार चलाते हुए मेल्ट करेंगे। तो ये मैं सोप बेस को डबल बॉयलर मेथड की हेल्प से मेल्ट कर रही हूँ, पर आप चाहें तो इसे 30 सेकेंड्स माइक्रोवेव में रखकर भी मेल्ट कर सकते हैं। पर मेक श्योर कि आपको इसको डायरेक्ट गैस पर मेल्ट बिल्कुल भी नहीं करना है। तो यहाँ आप देखिए, हमारी सोप बेस अच्छे से मेल्ट हो गई है। तो अब हम इस स्टेज पर इसमें ये आलू और टमाटर का पेस्ट ऐड करेंगे और इसे भी सोप बेस में अच्छे से मिक्स कर देंगे। ध्यान रखिए कि मिक्सचर डालने के बाद हमें इसे बहुत देर तक नहीं चलाना है, हमें इसे जस्ट मिक्स करना है। तो ये मैंने दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। हमारा सोप का मिक्सचर बनकर एकदम तैयार है। तो बस अब हम गैस की फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे तुरंत ही सोप मोल्ड में ट्रांसफ़र करेंगे। इस प्रोसेस को थोड़ा सा जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि सोप बहुत जल्दी सेट होने लगती है। तो यह मैंने इसे सोप मोल्ड में ट्रांसफ़र कर दिया है। तो अब हम इसे 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे ताकि हमारी सोप अच्छे से सेट हो जाए। तो यह लगभग 1 घंटे बाद मैंने सोप मोल्ड को फ्रिज में से बाहर निकाल लिया है। तो अब हम इसे इस तरह डीमोल्ड कर लेंगे। तो यहाँ आप देखिए, हमारी सोप कितनी स्मूथ बनी है और कितनी ईजी बाहर निकल आई है। ये पोटैटो टोमेटो सोप आपके स्किन कॉम्प्लेक्शन को बहुत ही फेयर और ग्लोइंग बनाएगी। और सबसे इम्पॉर्टेंटली, ये आपकी स्किन पर से किसी भी तरीके के स्कार्स, डार्क स्पॉट्स, डार्क पैचेस, पिगमेंटेशन, डिस्कलरेशन की प्रॉब्लम को दूर कर आपके स्किन टोन को भी इवन बनाएगी। ये आपके सन टैन को रिमूव करेगी और साथ ही आपकी स्किन को बहुत ही सॉफ्ट और स्मूथ भी बनाएगी। प्लस इसके रेगुलर यूज से आपकी स्किन एकदम क्रिस्टल क्लियर, स्पॉटलेस और बहुत ही ज़्यादा रेडिएंट दिखाई देने लगेगी। तो आप भी 100% नेचुरल एंड इफेक्टिव सोप को ज़रूर बनाइएगा और इसका रेगुलर यूज़ कीजिएगा, क्योंकि तभी आपको पता लगेगा कि ये कितनी इफेक्टिव है। तो आप भी एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा और मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।